Hello everyone, in this video you will get to know how we can import and export data between the pandas data frame and mysql. Aap pandas data frame and mysql ke beech data ko kaise import kar sakte ho aur export kar sakte ho. Okay, data from data frame can be read from and written to mysql database. To ye kya keh raha hai ki aap data frame ke data ko mysql ki table se read bhi kar sakte ho, matlab mysql ki table se usko le bhi sakte ho, aur data frame ka data aap mysql ki table mein write karwa sakte ho, wahan par store karwa sakte ho. Okay, to do this, a connection is required with the MySQL database using the PyMySQL database driver. और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक connection बनाना पड़ेगा. Okay? और connection बनाने के लिए आपको अपने Python की software में क्या install करना पड़ेगा? PyMySQL database driver. राइट आपको MySQL डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में क्या इंस्टॉल करना है? एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है जिसका नाम क्या है? पाई MySQL डेटाबेस ड्राइवर. एंड फॉर दिस द ड्राइवर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द पाइथन एनवायरनमेंट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड. और ये आप कैसे, कौन सी कमांड से इंस्टॉल करोगे? पिप इंस्टॉल पाई MySQL. ओके, नाउ वी हैव SQL Alchemy. SQL Alchemy is a library used to interact with the MySQL database by providing the required credentials, right? तो आपके आपको import and export data को import and export करने के लिए pandas और MySQL के in between क्या चाहिए? आपकी क्या requirement है? एक तो आपको PyMySQL को क्या करना है? Install करना है driver को, राइट, पाइथन एनवायरनमेंट में. दूसरा, आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. लाइब्रेरी का नाम क्या है? SQL Alchemy, राइट. SQL Alchemy इज अ लाइब्रेरी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द MySQL डेटाबेस. इस लाइब्रेरी का यूज किया जाता है MySQL डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स. मतलब ये लाइब्रेरी आपको कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस प्रोवाइड करेगी जिसकी हेल्प से आप MySQL डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे, राइट. दिस लाइब्रेरी कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग कमांड. और ये लाइब्रेरी आप कौन सी कमांड की हेल्प से करोगे? आप करोगे पिप इंस्टॉल SQL Alchemy कमांड की हेल्प से, राइट. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इंस्टॉल करना है पाई MySQL डेटाबेस ड्राइवर को. तो इसकी कमांड है पिप इंस्टॉल पाई MySQL, राइट. ऑल्दो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. ये जुपिटर नोटबुक है जिसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा रही हूँ. सी, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है. फाइन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? आपको क्या इंस्टॉल करना है? आपको SQL Alchemy को इंस्टॉल करना है. तो आप यहाँ पे कमांड दोगे पिप इंस्टॉल SQL Alchemy, पिप इंस्टॉल SQL Alchemy, राइट. ओके, एंड देन रन इट. ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. फाइन, तो अब हमने क्या किया है? जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी हमारी पाई MySQL को इंस्टॉल करने की और SQL Alchemy को इंस्टॉल करने की, वो हमने कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट विद आर प्रोग्राम, राइट. तो अब हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, राइट, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, ओके, एंड इम्पोर्ट SQL Alchemy as SQL, राइट. अब देखो मैं क्या चाहती हूँ, पहले जो मैं अपना प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा डेटा कॉपी हो जाए SQL की टेबल से डेटा फ्रेम के अंदर. फाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें SQL की टेबल बनानी है. तो हम क्या करते हैं, पहले SQL की टेबल क्रिएट करते हैं. ओके, ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस स्कूल. लेट अस सपोज मेरे डेटाबेस का नेम है स्कूल. क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ये मेरा बन गया है, राइट. अब मैं क्या करूंगी, इस डेटाबेस को ओपन करूंगी. तो मैंने कमांड दिया है यूज स्कूल. ओके, नाउ अब हमारा डेटाबेस नेम क्या है? स्कूल. अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नेम से. क्रिएट टेबल स्टूडेंट
ओके, और इसमें हम फील्ड्स ले लेते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर आप इंटीजर ले लो, प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो इसको प्राइमरी की बना दो, राइट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेम, नेम हम ले लेंगे वेरकेर, वेरकेर ले लो 40, राइट। नेक्स्ट आप ले लो यहाँ पे आप ले लो एड्रेस, एड्रेस भी आप ले लोगे वेरकेर 40, ओके। देन हम ले लेते हैं मार्क्स, मार्क्स आप इंट में ले लो या फ्लोट में, जिसमें भी लेना चाहते हो इंट ले लो, चलो राइट। ये आपकी टेबल बन गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज जैसे मैंने ले लिया 1 रोल नंबर, देन नेम रोहन, ओके। एड्रेस आप ले लो, ये आपने ले लिया रोहिणी, देन आपने यहाँ पे ले लिया मार्क्स 70, ओके। वन मोर, यहाँ पे आप वन मोर डेटा फिर हम इंसर्ट कर, सॉरी वन मोर रो इसको इंसर्ट करते हैं, 2, राइट। नेम आप ले लो, ओके, मार्क्स ले लो आप 80, राइट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंसर्ट इनटू, एक और आप यहां पे रो इंसर्ट कर लो, और आप ले लो प्लेस, राइट। वन मोर, फोर, राइट। वन मोर, ओके। सो हेयर वी हैव इंसर्टेड 5 रिकॉर्ड्स, हमने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए। अब अपनी टेबल देख लेते हैं, हमारी टेबल कैसी बनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, दिस इज योर टेबल, फाइन। अब आपने टेबल क्रिएट कर लिए, अब क्या करना है, इस टेबल का डेटा हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर क्या करेंगे, रीड करवाएंगे, ओके। SQL Alchemy Library है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, वो आपको create underscore engine function प्रोवाइड करती है, राइट, ओके। और जो create underscore engine function है उसका क्या यूज है, वो कनेक्शन establish करती है MySQL एंड Pandas के बीच में, राइट। तो अब इसको हम यूज करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया कौन, ओके, और यहाँ पे SQ हमने ले लिया, SQ stands for the SQL Alchemy Library, उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका alias name है, ओके। और आप लोगे CREATE create underscore engine function, राइट, create underscore engine function, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को प्रोवाइड करोगे, मतलब एक स्ट्रिंग को पास करोगे, नॉट प्रोवाइड, एक स्ट्रिंग को पास करोगे,
ओके okay? और वो स्ट्रिंग जो आप पास करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट। द कनेक्शन स्ट्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पैरामीटर। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक नेम ऑफ द डेटाबेस विद विच वी वांट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन, उस डेटाबेस का नाम जिसके साथ हम कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर जो एंजिन फंक्शन है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन द MySQL एंड पांडास। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो आप इसको कैसे, जो स्ट्रिंग है वो कैसे आप लिखोगे, MySQL ओके प्लस MySQL प्लस पाई MySQL, पाई MySQL क्या है, आपका ड्राइवर है जो आप कहां, जो आपने कहां इंस्टॉल किया है, आपने पाइथन में इंस्टॉल किया है, ओके। डेटाबेस कनेक्शन के लिए ड्राइवर है जो आपने अपने पाइथन एनवायरमेंट में इंस्टॉल किया है, तो ये आपको एज इट इज लिखना है, MySQL प्लस पाई MySQL ओके, उसके बाद कॉलन, देन आपको डबल स्लैश देना है, ओके, रूट, फाइन। और रूट जो आपका क्या है, यूजर नेम है। नाउ यू विल गिव द पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है किसका, एसक्यूएल डेटाबेस का, MySQL सॉफ्टवेयर का, जो भी आपको पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप दोगे, 1 2 3 4 5 ये मेरा पासवर्ड है, ओके। उसके बाद आप दोगे @ ओके, एंड लोकल होस्ट। लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि आपका पाइथन एंड MySQL दोनों क्या है, एक ही सिस्टम पे आप उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, राइट। लोकल होस्ट, राइट। और किस डेटाबेस से मेरे को कनेक्शन क्रिएट करना है, मुझे स्कूल डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना है, मैंने उस डेटाबेस का नेम दे दिया है यहाँ पर, फाइन। ये मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी है क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन के अंदर, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एंजिन ऑब्जेक्ट, राइट। जो आपका क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो करेगा एंजिन ऑब्जेक्ट, ओके। और एंजिन ऑब्जेक्ट कहाँ जाके स्टोर होगा, कौन वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे आपका कौन क्या बन चुका है, एंजिन ऑब्जेक्ट बन चुका है, फाइन, ओके। अब हमने क्या किया, df, ओके, df हमने एक वेरिएबल लिया, pd.read_sql, आपने कौन से फंक्शन का यूज किया है, read_sql फंक्शन का यूज किया है, और इसके अंदर आप क्या दोगे, आप दोगे टेबल का नेम, ओके, जिससे आपको डेटा रीड करना है, तो मुझे स्टूडेंट टेबल से डेटा रीड करना है, फाइन, ओके। एंड कॉमा के बाद आप क्या दोगे, आप दोगे अपना कौन सा ऑब्जेक्ट, एंजिन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन हमारा क्या है, एंजिन ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ प्रिंट df, अब आप इसको प्रिंट करा दो, ओके। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, रन करेंगे इसको, नाउ लुक एट द रिजल्ट, आपका रिजल्ट आपके पास आ चुका है, डेटा फ्रेम में जो आपने टेबल बनाई थी वो आपका टेबल यहाँ पे एज अ, जो आपने एसक्यूएल में टेबल बनाई थी वो एज अ डेटा फ्रेम आपके पास आ चुका है, राइट। उसमें एक क्या हुआ, इंडेक्स कॉलम और क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम आ गया हमारा, ठीक है। मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ, आपकी ये वाली टेबल थी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, सेम टेबल हमारी कहाँ आ गई है, यहाँ पे आ गई है एज अ डेटा फ्रेम, ओके। नाउ लेट अस सपोज आपको कंप्लीट टेबल नहीं चाहिए, कंप्लीट टेबल आपको रीड नहीं करानी है डेटा फ्रेम में, राइट। तो आप क्या, आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही रीड कराना है, तो आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, पास करोगे कॉलम columns कॉलम्स पैरामीटर को, ओके। एंड एज अ लिस्ट आप नेम दे दोगे कॉलम्स का, राइट, जो जो आप चाहते हो रीड कराना एसक्यूएल टेबल से। तो मुझे चाहिए रोल नंबर, रोल नंबर, ओके, एंड सेकंड मुझे चाहिए नेम कॉलम, फाइन, ओके। नाउ वी विल रन दिस, तो यहाँ पे देखो हमारे पास रोल नंबर आ गया है और नेम कॉलम आ गया है, राइट। आप pd_sql फंक्शन में क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, राइट। तो मैं अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी,
आप जैसे SQL में क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराते हो, सेम वे आप यहाँ पे भी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो मैं यहाँ से टेबल नेम हटा के क्या दे दूंगी, अपनी क्वेरी दे दूंगी, राइट। तो मैंने दे दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, वो वाले नेम्स आ जाएं, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से जहां पे मार्क्स क्या है 70 से ग्रेटर है, राइट। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया है, ये आपका रिजल्ट आ गया है, नेम्स आ गए, ओनली नेम कॉलम हमने लिया था, नेम कॉलम, तो हमारे पास नेम आ गया, फाइन। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार कर दिया होता नेम की जगह, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ओके वे मार्क्स ग्रेटर देन 70, वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाए जहां पे, वो सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आ जाए जहां पे मार्क्स किससे ग्रेटर है, 70 से ग्रेटर है। तो आपके पास देखो ये रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, रोल नंबर 2, 3 एंड 5 का रिकॉर्ड आ गया है जहां पे मार्क्स क्या है 70 से अबव है। ओके, तो SQL टेबल में देखो जो 70 वाले थे वो रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हुए हैं, और जो 70 से अबव थे वो वाले आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए हैं। ओके, अभी हमने देखा हम डेटा को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम MySQL टू डेटा फ्रेम, राइट। अब आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है, डेटा फ्रेम से आपको MySQL में डेटा एक्सपोर्ट करना है, वो आप कैसे करोगे। एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम पांडास टू MySQL बेसिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पांडास डेटा फ्रेम टू अ टेबल, राइट। तो यहाँ पे हम पांडास डेटा फ्रेम को SQL टेबल के अंदर राइट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव द फॉलोइंग फंक्शन, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पांडास लाइब्रेरी का डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर SQL फंक्शन। ओके, डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर SQL फंक्शन, और इसके अंदर आप कौन से पैरामीटर्स पास करोगे, आप उसके अंदर टेबल का नेम, जिस भी टेबल के अंदर आपका पांडास का डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम का डेटा जाके स्टोर होगा, राइट होगा, उस टेबल का नाम, ओके, आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके, इफ एग्जिस्ट पैरामीटर अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, एंड इंडेक्स पैरामीटर, राइट। ओके, टेबल स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द टेबल इन विच वी वॉन्ट टू क्रिएट और अपेंड डेटा फ्रेम वैल्यूज, तो यहाँ पे जो टेबल है वो कौन सी टेबल है जिसके अंदर हम डेटा फ्रेम की डेटा को राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डेटा उसमें जोड़ना चाहते हैं। इट इज यूज टू राइट द स्पेसिफाइड डेटा फ्रेम टू द टेबल, द कनेक्शन आइडेंटिफायर रिटर्न फ्रॉम द क्रिएट एंजिन फंक्शन, तो यहाँ पे जो हमारा SQL कनेक्शन क्या है वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो किसने रिटर्न किया है, क्रिएट अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन ने रिटर्न किया है, राइट। ओके, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर है इफ एग्जिस्ट, इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट पैरामीटर, द पैरामीटर इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट स्पेसिफाई द वे डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम शुड बी एंटर्ड इन द टेबल, तो ये जो पैरामीटर है वो क्या बताता है कि कैसे डेटा एंटर होगा, डेटा फ्रेम का डेटा SQL की टेबल में कैसे एंटर किया जाएगा। इट कैन हैव द फॉलोइंग 3 वैल्यूज, और इसकी 3 वैल्यूज होती है, फेल, रिप्लेस एंड अपेंड। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, फेल, फेल इज द डिफॉल्ट वैल्यू डेट इंडिकेट्स अ वैल्यू एरर इफ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, जो फेल है वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वो क्या बताती है, अगर आपने किसी टेबल का नेम यहाँ पे दिया जो ऑलरेडी SQL के अंदर बनी हुई है तो क्या होगा, ये वैल्यू एरर शो कर देगी, राइट। सेकेंड क्या है, रिप्लेस, रिप्लेस स्पेसिफाइज द प्रीवियस कंटेंट्स of the table should be updated by the content of the data frame. अगर आपने if underscore exists के अंदर replace कर दिया तो जो पहली वाली table है same name की उसका data replace हो जाएगा, किस table से, data जो आप new table का data write कर रहे हैं, मतलब जो आप data frame का data table के अंदर write कर रहे हैं वो वाला data उसके अंदर जाके store हो जाएगा और previous data उसमें से delete हो जाएगा, okay? Now append. Append specifies that the content of the data frame should be appended to the existing table and when updated the format must be the same. Append से क्या है, जब आप append use करोगे तो जो भी data frame का आप write कर रहे हो, okay, वो existing table के below में जाके, मतलब end में जाके append हो जाएगा, join हो जाएगा, ओके, समझ आया। यहाँ पे टेबल क्या है, वो टेबल जहां पर आपके डेटा फ्रेम का डेटा जाके राइट होगा, और SQL अंडरस्कोर कौन क्या है, आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन
रिटर्न करता है, ओके, इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट बताता है कि कैसे डेटा स्टोर होगा, राइट. अगर वो पहले से सेम नेम की वहां पे टेबल है तो क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी. अगर आप इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट की वैल्यू रिप्लेस दोगे तो क्या होगा, डेटा रिप्लेस हो जाएगा न्यू डेटा से, ओके, ओके. एंड अगर आप अपेंड देते हो तो क्या होगा, जो न्यू डेटा है वो पुराने डेटा के एंड में जाके ज्वाइन हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, इंडेक्स, ओके. और इसकी दो वैल्यू है, फॉल्स एंड ट्रू. बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या होती है, ट्रू. बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज ट्रू मींस डेटा फ्रेम इंडेक्स विल बी कॉपी टू द MySQL टेबल. इसका मीनिंग क्या है, MySQL टेबल में डेटा फ्रेम का इंडेक्स भी कॉपी होगा, राइट. उसका भी एक कॉलम बनेगा. इफ फॉल्स देन इट विल इग्नोर द डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग. और अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो, बाय डिफॉल्ट तो ट्रू है, मतलब डेटा फ्रेम का इंडेक्स भी MySQL की टेबल में जाके कॉपी होगा, राइट. लेकिन अगर आप इसको क्या कर देते हो, इसको फॉल्स कर देते हो, तो इंडेक्स की वैल्यू MySQL की टेबल में स्टोर एज अ कॉलम राइट नहीं होगी. फाइन, अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ओके. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, फिर उसका डेटा हम कहाँ पे राइट करेंगे, हम एसक्यूएल की टेबल में राइट करेंगे. तो ये हमारा ऊपर अबव है, इसमें से हम ये लाइंस कॉपी कर लेते हैं, जो क्या है इसमें भी हमारे को चाहिए, कंट्रोल सी करके हमने ये वाली ले ली है लाइंस यहाँ पे, कंट्रोल बी, राइट. और यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है आपको, तो एक और हम ले लेते हैं, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी और इम्पोर्ट कर लेंगे, हमारी numpy as np. आपने numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया, फाइन, ओके. तो यहाँ पे हमने क्रिएट एंजिन अंडरस्कोर एंजिन फंक्शन से कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, और हमारे पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, ओके, एंजिन ऑब्जेक्ट, जिसका जो क्या है, कॉन, con, कॉन, फाइन. अब जो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है फर्स्ट, ओके, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, फिर उसका डेटा क्या करना है, एसक्यूएल में टेबल में राइट कराना है. तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल डिक्शनरी, फाइन, और डिक्शनरी के अंदर मैंने ले लिया नेम की, ओके, एंड मैं इसका डेटा एस ले लेती हूँ लिस्ट. तो हम यहाँ पे जो डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिक्शनरी से क्या बनाना है, हमें डिक्शनरी से बनाना है अपना डेटा फ्रेम. नेक्स्ट आप ले लो इसके अंदर एज, राइट, ओके, फाइव वैल्यूज यू हैव टेकन, देन हम ले लेते हैं मार्क्स, ओके, राइट. This is our dictionary. अब इस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. df इक्वल टू pd, df हमने वेरिएबल दे दिया, pd स्टैंड फॉर द पांडास, pd, ओके, पांडास लाइब्रेरी का हमने alias नेम pd लिया है, pd डॉट, और पांडास लाइब्रेरी का कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम डेटा फ्रेम फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे, डेटा फ्रेम, और इसमें हम पास कर देंगे डिक्शनरी को, फाइन. ये आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है. अब जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, df वेरिएबल के अंदर. अब हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट df, ओके, इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ये आपका क्या आ गया, ये हमारा डेटा फ्रेम बन के आ गया है, ओके, डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो गया है, फाइन. अब इस डेटा फ्रेम को क्या करना है, हमें इसको एसक्यूएल की टेबल में राइट करना है, फाइन. तो हम क्या करेंगे, df डॉट टू अंडरस्कोर
एसक्यूएल फंक्शन, राइट। इसके अंदर हम कोई भी टेबल बना लेते हैं, हमने बना लिया टेबल, जैसे हमने बना लिया टेबल स्टूडेंट वन, ये स्टूडेंट वन मेरे टेबल का नाम है, ओके, एंड कौन ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया, ओके। नाउ अब इसे क्या करना है, इसको रन कराना है, फाइन। अब देखो, अब टेबल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ, तो एक मिनट इसको मैं ऊपर करती हूँ, सिलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, आ गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट वन में क्या हुआ है, जो आपने देखो इंडेक्स भी आया है यहाँ पे, हमारा इंडेक्स भी आया है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होती है उसकी वैल्यू ट्रू होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपका ये यही सेम डेटा है, नेम एज मार्क्स, ओके, और यही आपका सेम डेटा यहाँ पे आ गया है एसक्यूएल की टेबल में, नेम एज मार्क्स एंड द सेम डेटा, राइट, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या है, जो आपकी एसक्यूएल की टेबल आई है वहां पे इंडेक्स भी कॉपी होके आया है, ओके ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी टेबल के अंदर एसक्यूएल की टेबल में इंडेक्स ना आए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, राइट, ओके। अब मैं इसको, ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया, फाइन। यहाँ पे मैं टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि उस टेबल में ऑलरेडी इंडेक्स क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है, ओके। यहाँ पे आपने टेबल का नेम दे दिया स्टूडेंट टू, जिसके अंदर आप इस डेटा पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के डेटा को क्या करा रहे हो, राइट करा रहे हो, राइट। और मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट, राइट, इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ रिप्लेस, कि अगर इस नेम से आपके पास टेबल है तो उसका डेटा डेटा फ्रेम के डेटा से रिप्लेस हो जाए, राइट। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स की वैल्यू दे दी फॉल्स, राइट, इंडेक्स की वैल्यू आपने दे दी फॉल्स, ठीक है। आपने डेटा फ्रेम के डेटा को स्टूडेंट टू टेबल के अंदर क्या कराया, राइट करवाया है, और आपने पैरामीटर पास किया है इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट, अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट है तो इसका डेटा रिप्लेस हो जाए, और इंडेक्स की वैल्यू आपने कर दी है फॉल्स, मतलब यहाँ पे इंडेक्स कॉपी नहीं होगा। अब इसको आप रन करोगे, राइट, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे, स्टूडेंट वन की जगह हमारी अब टेबल है स्टूडेंट टू सी। अब देखो जो आपका डेटा आया है डेटा फ्रेम का, उसमें क्या है, इंडेक्स नहीं है, जो पहले था उसमें इंडेक्स था, अब जो करंट जो टेबल आई है स्टूडेंट टू, उसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ पे इफ अंडरस्कोर एग्जिस्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या कर देती हूँ, रिप्लेस की जगह अगर कर देती हूँ अपेंड कर दिया मैंने, तो क्या होगा, जितनी बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी उतनी बार ही डेटा फ्रेम का डेटा आपकी टेबल के अंदर अपेंड होता जाएगा, मतलब उसके अंदर ज्वाइन होता जाएगा। तो एक वन टाइम तो हम इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं, अब सेकंड टाइम एग्जीक्यूट कराते हैं इसको, आपने सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अब मैं टेबल को देखो क्या करती हूँ, फिर से करती हूँ, देखो अब यहाँ पे देखो ये सेम डेटा, अर्जुन प्रणव गी स्नेहा, अगेन अर्जुन रोहन, अर्जुन प्रणव गी स्नेहा रोहन, ये आपका सेम डेटा क्या हो गया, अपेंड हो गया, राइट। तो आप जितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ओके, उतनी बार ही क्या होगा, उतने बार ही वो अपेंड होता जाएगा आपका डेटा, फाइन, वो डेटा क्या होगा, बार बार अपेंड होगा, ओके। सो हेयर वी हैव डन हाउ वी कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन पांडर्स डेटा फ्रेम एंड MySQL। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।